और यहाँ पर सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। तो 10 साल इनको दिया गया, 5 साल मांगे थे, 5 साल दोबारा मांगे थे, अब तिबारा चांस यहाँ की जनता नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। अब की बार ये दावा है कि कोई भी लड़ लेता, यहाँ प्रत्याशी जो है मैदान में बीजेपी के, उनके अलावा कोई भी लड़ लेता, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही का नाम पसंदीदा रहेगा और वही जीतेगा। जनपद रायबरेली में इस बार बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच लगातार प्रियंका गांधी रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं और आज उनकी लगभग 9 नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई, वहीं अन्य जगहों पर उन्होंने जनसंपर्क किया। ये बचरावा विधानसभा है जहां का ये राजा मऊ क्षेत्र है। अभी कुछ ही पलों में प्रियंका गांधी यहां लोगों से जनसंपर्क करती हुई एक नुक्कड़ सभा आयोजित किया। यहां की जनता है, उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस के इस गढ़ में क्या बीजेपी कमल खिला पाएगी या कांग्रेस दोबारा यहां से जीतेगी। हम बात करते हैं दादा, क्या नाम है? राम लखन यादव। राम लखन यादव, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी कमल खिलाएगी या दोबारा फिर से कांग्रेस ही अपना परचम लहराएगी? ये कांग्रेस का जो है पुराना गढ़ना हमारे पूर्वजों से, आसने पूर्वजों से, और यहीं से कांग्रेस का जो है रिश्ता रहा है पारिवारिक। अब वो पारिवारिक रिश्ता कुछ कारणवश जो है बीच में गड़बड़ हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार एक जुमलेबाजी की वजह से इन लोगों ने लिया सत्ता। अब की बार ये दावा है कि कोई भी लड़ लेता, यहाँ प्रत्याशी जो है मैदान में बीजेपी के, उनके अलावा कोई भी लड़ लेता, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही का नाम पसंदीदा रहेगा और वही जीतेगी। प्रियंका की जगह राहुल गांधी को टिकट मिला है, तो क्या राहुल गांधी बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है, तो क्या टक्कर में कुछ नहीं? जमानत जब्त हो जाएगी प्यारी, ये वादा है यहाँ की जनता का, क्योंकि ऐसे इन्होंने जनता के साथ जारी की, जो कहा वो पूरा नहीं किया, जनता को प्रताड़ित करने का काम किया, इसलिए जनता जागरूक है। अब वो जनता पहले की नहीं रही, हमारा नौजवान आज भी बेरोजगार, हमारी महिलाएं आज भी पेंशन के लिए रो रही है कि हमारी पेंशन नहीं आती, हमको आवास नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। तो 10 साल इनको दिया गया, 5 साल मांगे थे, 5 साल दोबारा मांगे थे, अब तिबारा चांस यहाँ की जनता नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। यहाँ कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी होंगे, ये जनता का। क्या नाम है? मेरा क्वेश्चन नाम है, ये कौन सी ग्राम सभा है? समुदाय रामपुर की मैं रहने वाली हूँ। क्या कार्यक्रम था यहाँ? यहाँ कांग्रेस का कार्यक्रम, प्रियंका जी आई थी, उनके लिए हम लोग आए थे, कुछ महिला भी आई थी। क्या लगता है इस बार रायबरेली में किस मतलब कौन जीतेगा? नहीं, रायबरेली की तो ये इनका घर है, ये घर की सदस्य हैं, यही निकलेंगी और कोई नहीं निकलेगा। कितनी भीड़ थी यहाँ? यहाँ लगभग 5-6 हजार और भी ज्यादा थी। बीजेपी से दिनेश सिंह उम्मीदवार हैं। जी जी, तो बीजेपी और कांग्रेस में जो टक्कर है, क्या लगता है कि इस बार जैसे राहुल गांधी आए हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, लोग उम्मीद जता रहे थे कि प्रियंका गांधी आएंगी, लेकिन राहुल को टिकट मिला है, तो क्या राहुल रायबरेली सीट से जीतेंगे? हाँ, निकलेंगे 5 लाख वोटों से ज्यादा निकलेंगे, ये उम्मीद हम लोग रखे, हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या नाम है? चंदावती। कांग्रेस जीतेगी यहाँ रायबरेली से? मतलब ग्राम सभा में जो है कांग्रेस की वोट है। क्या नाम है दादा? क्या कार्यक्रम था यहाँ? प्रियंका जी आई थी। कितनी भीड़ थी? क्या लगता है आपको इस बार रायबरेली में कौन जीतेगा? प्रियंका गांधी। तो आप उनके साथ में हो? हैं? क्या नाम है भैया? प्रभात।
प्रभात अवस्थी। क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम यहाँ पे नुक्कड़ सभा थी आज। प्रियंका गांधी जी हमारी कांग्रेस की महासचिव है, हाँ? राष्ट्रीय स्तर की, वो आई थी। और इस बार मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार वोट पड़ेंगी और इस बार शायद जमानत भी तक हो जाएगी दिनेश प्रताप सिंह की। जो इन्होंने किए हैं, जमीनें कब्जाई है किसानों की, ठेकेदारी सिर्फ अपने घर के लोगों को दिया है, वो सारे कार्य इसी बार इनके समाप्त होने जा रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ इस बार इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। राहुल गांधी जीत रहे हैं, ताबड़ तोड़ ऑटो सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि वो जो बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि पाकिस्तान समर्थन दे रहा है। प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल करता हूँ, मैं युवा हूँ, आपने कैसी वोट डाल दी सेना में कि आपने दो तरह की सेना बना दी, एक सामान्य सेना बनाई, एक अग्निपथ सेना बना दी, हमारे दोनों सेना में दो फूट हो गए, अब दोनों जवान कैसे लड़ेंगे साथ में? आप इतने मुद्दा की लोग कौन सी विधानसभा है? बछरावा, बछरावा विधानसभा है। तो बछरावा विधानसभा से क्या लगता है, पूरी वोट भारी मतों से इस बार जीतेंगे? मैं आपको जिले स्तर पर बता दूं, इस बार जमानत जब्त हो जाएगी दिनेश प्रताप सिंह की। जमानत जब्त हो जाएगी दिनेश सिंह की? दादा से आप मैं पूछूं, हम बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बचपन से हम कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं और ये यहाँ रायबरेली जिले से कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस ही रहेगी। रही ये बताइए, जो कहते हैं कि 70 सालों से कांग्रेस ने क्या बनाया, ये इंदिरा नहर, एम्स, आईटीआई, ये सब किसने बनाया? कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की गवर्नमेंट पूछना चाहते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट जी तब आज डायरेक्ट बछरावा में, आपको बता दूं ऐसी सुविधा दी गई, डायरेक्ट एनटीपीसी से लाइट आती है, पावर हाउस में डायरेक्ट कनेक्शन है। ये थी सोनिया जी की देन, ये थी कांग्रेस की देन। जैसा कि आपने देखा कि जनता की अभी जो राय आपने सुनी, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो बछरावा विधानसभा है यहाँ से 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे उनका दावा कर रहे हैं। अब आगे ये जो चुनाव है 20 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद गिनती होगी, गिनती के बाद किसके सर पर ताज पहनाया जाएगा और कौन रायबरेली का सांसद बनेगा, ये तो समय ही तय करेगा। रायबरेली, एसके सोनी, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।